नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कृष्णा अभिषेक ने एक बार फिर से द कपिल शर्मा शो में सपना दीदी बनकर वापसी कर ली है। कृष्णा के शो में वापसी से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कपिल शर्मा शो से उनका प्रोमो रिलीज किया गया था, जिसमें कृष्णा सपना दीदी के लुक में नजर आए थे। वही अब कृष्णा अभिषेक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद यकीनन कृष्णा के फैंस को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल कृष्णा ने कपिल शर्मा के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। कृष्णा ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने कपिल के शो के लिए एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म को लात मार दी है। कृष्णा अभिषेक ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि उन्हें साजिद खान ने अपनी फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उनकी सारी डेट्स कपिल शर्मा शो के लिए बुक थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। कृष्णा ने इंटरव्यू में कहा, कुछ परेशानियां थी, हमारा चैनल के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट था और शेड्यूल बिजी था। साजिद खान ने मुझे फिल्म का ऑफर दिया था जिसकी वो शूटिंग कर रहे हैं, मेरे पास डेट्स ना होने की वजह से ये नहीं हो पाया। आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे भी उनके साथ काम करके बेहद खुशी होती। बता दें कि साजिद खान इन दोनों अपनी फिल्म 100% की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, शहनाज गिल, नौरा फतेही और रितेश देशमुख अहम रोल में नजर आएंगे। इसी फिल्म के लिए साजिद ने कृष्णा अभिषेक को भी ऑफर दिया था। ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। कृष्णा अभिषेक के लिए ये फिल्म बेहद ही अहम साबित हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कपिल के शो के लिए इस फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। बात करें द कपिल शर्मा शो की, तो बीते काफी टाइम से कृष्णा अभिषेक इस शो में नजर नहीं आ रहे थे। दरअसल जब कपिल शर्मा शो का तीसरा सीजन हुआ था, तब शो में कई तरह के बदलाव किए गए थे। जहां शो में कुछ लोगों की एंट्री की गई थी, वहीं शो से कृष्णा अभिषेक की एग्जिट हो गई थी। दरअसल कृष्णा ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से इस शो को छोड़ दिया था। हालांकि मेकर्स के साथ अब उनके इशू सॉल्व हो चुके हैं। वो जितनी फीस चाहते थे मेकर्स ने उतनी मान ली है और अब उन्होंने शो में जोरदार वापसी कर ली है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कृष्णा अभिषेक की वापसी से शो की टीआरपी में कितना इजाफा होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।